यहां पर बड़ी खबर इस वक्त रूस की एक साथ डोनेस्क, लुहांस्क, मरियोपोल, खार्किव, मिकलो, खेरसोन में बमबारी। बड़ी खबर शॉर्ट्स के साथ प्लीज। रूस ने यूक्रेन में अपने दूसरे फेज के अटैक को अंजाम देना शुरू किया। शॉर्ट्स के साथ ईस्टर्न यूक्रेन में कल रात यूक्रेन रूस में जबरदस्त बमबारी। जेलेंस्की ने कहा रूस ने ईस्टर्न डोनबास में जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी है। युद्ध के दूसरे और खबर आपके सामने है। यूक्रेन मिलिट्री का दावा, रूसी फौज डोनेस्क, लुहांस में यूक्रेन की डिफेंस को तोड़ना चाहते हैं। शॉर्ट्स प्लीज कंटिन्यू रखें। यह बड़ी खबर है, कल रात में जबरदस्त बमबारी शुरू हो गई है। मैं चाहूंगा ये शॉर्ट्स प्लीज कंटिन्यू करें। इस वक्त यह बड़ी खबर, रूस ने तस्वीरें आपके सामने, मैं आपको सीधे प्ले ऑन करना चाहूंगा, उसके बाद सुमेरा के पास आऊंगा। छह जगह की तस्वीरें जो हमारे पास आई है, राहुल जरा तेजी से करें। ये देखें, डोनेस्क में कल हमला शुरू हो गया, लुहांस्क में हमला शुरू हो गया, मरियोपोल में शुरू हो गया, खार्किव में, मिकोलेव में, खेरसोन में, हर जगह हमले शुरू कर दिए। कल एक साथ रशिया ने अटैक शुरू कर दिया है। मैं जाऊंगा राहुल ये वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट, इसके बाद तुरंत एक और ब्रेकिंग पर चलेंगे। रूस ने शुरू की डोनबास पर कब्जे की जंग, इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने डोनबास पर कब्जे की जंग शुरू कर दी है। रूस ने डोनबास में की है जबरदस्त बमबारी। डोनबास में रूस ने 76 बटालियन टैक्टिकल ग्रुप तैनात किए। 9 मई को विक्ट्री डे से पहले डोनबास पर कब्जा करना चाहते हैं पुतिन। डोनबास पर कब्जे के बाद फिर से नॉर्थ यूक्रेन पर हमला करेंगे पुतिन, वेस्टर्न इंटेलिजेंस ने कहा है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए डोनबास में, यह कल की रात जो हमले शुरू हुए, ये देखे तस्वीरें आपके सामने। डोनबास पर कब्जे की जंग शुरू हो चुकी है, डोनबास पर जबरदस्त बमबारी की गई है। डोनबास में तैनात किए गए 76 बटालियन टैक्टिकल ग्रुप BTG 9 मई को विक्ट्री डे से पहले डोनबास पर कब्जा करना चाहते हैं पुतिन, और ये उसी की तस्वीर हमारे साथ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, मैं सीधे चलूंगा सुमेरा के पास। सुमेरा, इस वक्त क्या हालात है? आप जो चिंताजनक बात यह है कि जिस एसॉल्ट का सब लोग इंतजार कर रहे थे वो मैसिवली लार्ज स्केल पर कल शुरू हो गया। सुमेरा, आपका लिंक जो है वो फ्रीज कर गया है। सुमेरा, आप क्या मुझे सुन सकती हैं? मैं आपको सुन सकती हूँ। प्लीज गो। प्लीज गो। ये जो ऑफेंसिव है इसके बारे में बहुत समय से कहा जा रहा था कि ये जो फेज है, इस फेज में बहुत तेजी से रूस की तरफ से अटैक किया जाएगा और वो हो रहा है। कल हम मिकोलेव में थे, हम दिन भर मिकोलेव में आर्टिलरी फायर को सुन सकते थे और फिर रात होते होते ये इंटेंसिटी बढ़ती चली गई। कल पूरे यूक्रेन में हर जगह रात में जो एयर रेड अलर्ट अलार्म्स हैं वो बज रहे थे, हमें हर तरफ से ये सिग्नल्स मिल रहे थे कि जो ये अब फेज है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होगा रूस की तरफ से, और वो साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है। वो तस्वीरें साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही हैं। ग्राउंड पर फोर्सेस ने आगे मूव करना शुरू कर दिया है और उनको तमाम तरह का सपोर्ट एयर से उनको मिल रहा है, और उस तरह से रूस पूरी तेजी के साथ उन इलाकों में जहां उनका कब्जा है उससे आगे भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे इस इलाके को अपने कब्जे में पूरी तरह से सिक्योर करना चाहते हैं। आप जो बता रही हैं सुमेरा, ये बहुत ज्यादा चिंताजनक खबर है, आप मेरे साथ बने रहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।